हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड लाइफ ऑफ युवराज। और गाइस, आज चैनल की शुरुआत हो रही है खुशखबरी के साथ, जो कि ये है कि मेरे चैनल पे 800 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, और ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। और थैंक यू गाइस बहुत ज़्यादा, 800 सब्सक्राइबर मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। तो गाइस, अभी तो फ़िलहाल बाहर आज आपको दिखा देता हूँ, बहुत धूप आ रही है बाहर, तो दिख ही रहा होगा, बारिश नहीं है आज, धूप आ रही है, पता नहीं क्या चल रहा है, कभी बारिश कभी धूप। मम्मा दो मिनट जरा। क्या 800 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए? कांग्रेचुलेशन। खुशी देखो तेरा मम्मी के चेहरे पे। हजार हो गए तब ज्यादा खुशी होगी, अभी तो 800 में बहुत ज्यादा खुशी है। चल कोई नहीं, अच्छी बात है। आप कुछ कहना चाहते हो गाइस को? कुछ नहीं, बस यही कहूंगी कि सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, मतलब लोगों को, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया वो लोगों को अपने साथ के जो फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं कलीग्स वगैरह अपने, उनको भाई हमारी वीडियोस वगैरह शेयर करो, लिंक दो, भेजो उन्हें, जिससे वो लोग भी हमारी वीडियोस को देखें और उसको शेयर करें, और कमेंट्स भी करें, उसमें लिखें कैसा है, कैसे लग रही है आपको हमारी वीडियोज़ वगैरह, कुछ अगर आइडियाज़ वगैरह देने तो वो भी दे सकते हैं। ओके। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। गाइस देखो, मम्मी भी आराम करके उठ चुकी हैं, अब मैं भी उठ चुका हूँ। मम्मी अब क्या करोगे शाम को, कोई प्लान है शाम का? क्यों नहीं है लेकिन, मम्मा मैं तो बोल रहा हूँ घर में, सीलन जो ये पानी आ रहा है ना, इससे परेशान। अरे ये तो बारिश हो रही है, अभी धूप आ रही है, सूख जाएगा सारा वो तो। बाकी है मम्मी, मैं छत पे छत जाके दिखाता हूँ अभी जरा। वो जो मैंने देखो छत पे आ चुका हूँ, देखो बादल, वही देखो कितनी धूप आ गई गाइस छत पे। देखो भाई सूरज दादा, थोड़ी दिन तक ऐसे ही रहना। The next day. Hello guys, welcome back to our channel Good Life of Raj. So guys, कैसे हैं आप लोग? और आई होप आप लोग अपने घरों में जहाँ भी आप हैं वहाँ ठीक होंगे। और अभी तो फिलहाल मैं नहा के आ चुका हूँ, और अभी मम्मी धो रही हैं बर्तन किचन में, आपको दिखा देता हूँ, मम्मी से मिलवा देता हूँ। तो गाइस अभी तो मम्मी जरा बात कर रही है नानी से फ़ोन पे, तो अभी तरह थोड़ी देर में मिलवाता हूँ आपको मम्मी से, तो इतनी देर बताओ आप टाइम से मिल लो। हेलो दीदी, क्या कर रहे हैं आप? बस फ़ोन पे लगे रहो हैं, बस रहन दो। ब्लॉगिंग करोगे? बस 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 रहन दो, देख लिया था मैंने मेरे बर्थडे वाले दिन ऐसे। हेलो गाइस, तो अच्छी थी, मम्मी ने भी बोला था। बस रहन दो, कौन सी मम्मी ने कहा था बता दो जरा, कौन सी, कितनी मम्मी है तेरी? मतलब मम्मी तो एक है उस समय, मतलब को, मतलब मुझे समझ में आया कि याली मम्मी से नहीं बोल सकती नहीं। तो गाइज अभी तो फिलहाल क्या है, अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर, और आज मेरे व्लॉग में एंट्री होने वाली है एक नए चेहरे की, वह कुछ दिन मैं व्लॉग में दिखाऊंगा, और अभी हम कहीं बाहर जा रहे हैं, सो चलते हैं और आपको उन चेहरे से मिलवाता हूँ कौन है वो। मम्मी इसलिए नहीं दिख रही हैं क्योंकि मैं दो मिनट से ना कैमरा अपना यहाँ रख देता हूँ। तो गाइज मम्मी इसलिए नहीं दिख रही हैं क्योंकि जो उनके योगा वाले जो टीचर हैं, उन्होंने आज मम्मी को ऐसी एक्सरसाइज कराई है कि मम्मी कह रही है कि यार मेरे टांगों में दर्द है, मेरे हाथों में दर्द है, सो इसलिए नहीं दिख रही हैं। तो गाइस ये रीज़न है, अभी मम्मी सो रखी हैं, तो उसके बाद आपको मम्मी से मिलवाता हूँ। फिर जल्दी रेडी हो जाओ, पत्ते पहन लो, पत्ते सबसे यूनिक लगोगे। ला रहा हूँ बाहर छोड़ के लाऊँ झाड़ी वाले तुर्फी जावेद बनोगे आप, उर्फी की जगह तुर्फी, वाओ तुर्फी जावेद। मैं तो यही पहन रहा हूँ जो मैंने पहन रखा है, आज का टाइटल तानी दीदी बनी तुर्फी जावेद। तो गाइज अब हम चलते हैं बाहर घूमने। तो गाइज अब देखो यहाँ पर आपको मैं मिलवाने वाला हूँ नए चेहरे से। ये है हमारे पिंकी, पिंकी भाई है, क्या कह रहे हो भैया? आपने आपको इंट्रोड्यूस करो इसमें, चलो मेरे ब्लॉग में। कौन हो आप? हाँ कौन हो आप, कौन मैं? बताओ अपने बारे में। तो कैसे बताते हो फिर भाई? नहीं नहीं कोई लड़कियाँ, हाँ हो सकता है ना लड़कियाँ
कमेंट कर रहे मेरे इसमें। बता भी, वही तो नहीं चाहता। चलो फिर मत बताओ अपनी आइडेंटिटी। देखो भाई यहाँ क्या काम चल रहे हैं। यहाँ पर इनके जो ये होते हैं ये हैंडटाल से ये अपने फ़ोन का वो स्क्रीन गार्ड साफ़ कर रहे हैं, स्क्रीन साफ़ कर रहे हैं। क्या हुआ? वो है एक हैंडल है तो क्या रुक जा भाई। दीदी ने रोज करते हुए भैया को और गाय तभी हम जरा हाँ कुछ ना कुछ देखे जा रहे हैं। बट कुछ आ रही है यहाँ पर। हाँ इससे आ रही है। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। क्या बोला मैंने? फ्रेग्रेंस वाली आ रही है ना? हाँ कितनी मस्त है। कैसे क्लेम में आती है, कैसे क्लेम में आती है। ये देखो इसकी, ये देखो गाइस हमने हम यहाँ शादी करा रहे हैं भैया की। किससे करनी है तो बताओ? किसी किसी भोले किसी जो कावड़ वाले को बुला के ले आते हैं। थैंक यू यार, काफी अच्छा सोच रहा है मेरे बारे में तू। तो गाइस अभी तो फिलहाल हम यहाँ आ रखे हैं करण भैया के लिए लैपटॉप लेने। क्या देखो भैया यहाँ देखने में लग रखे हैं सबसे बेटर। कोमल दीदी मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ ना आईफोन भी लग रखे हैं, ट्राई करें। मैं कह रही थी यार ट्राई करते हैं। आ जाओ आ जाओ। हाँ चलो फिर ट्राई करते हैं। गाइस देखो अभी हम जरा यहाँ फिरने में लग रखे हैं बट लेना क्या है वो भैया को पता है। भैया को अच्छा कोमल दीदी को। तो गाइस अभी फिलहाल हमने भैया का जो लैपटॉप का जो डिस्कस करना था वो तो कर लिया है। अब हम जा रहे हैं वापस घर। तो गाइस देखो यहाँ पर मुझे चलते चलते मम्मी और आंटी मिल गए थे, पीठ से आ रहे थे। एंड अभी मैं जरा इनके संग जा रहा हूँ। यहाँ पर वैसे अभी खड़े हो रहे हैं, पापा आ रहे हैं उसके बाद हम जाएंगे ज़रा कहीं। तो गाइस देखो पापा ही मिल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं कावड़ देखने। बहुत ही सुंदर कावड़ आ रखी हैं। पापा कह रहे हैं वहाँ चलते हैं। चलो बैठता हूँ। चलो तो गाइस चलते हैं अभी हम देखने वहाँ कावड़ की कौन सी, मतलब बहुत सुंदर कावड़ आ रही है पापा कह रहे हैं, चलते हैं। भाई देखो यहाँ पर पीठ लग रखी है सारे पूरा साइड में। और यहाँ से भी जा रहे हैं वैसे तो जो कावड़ वाले हैं, बट बाइक वाले हैं तो उनको दिखा के कुछ फ़ायदा नहीं है। वो सब तो पापा इतना शोर कर रहे हैं ना, साइलेंसर हटा रखा है इतना शोर। तो गाइस पहुंच चुके हम जहां कावड़िया का वासर के पीछे से सुन सकते हो आप। तो गाइस फिलहाल तो अभी मैं घर आ चुका हूँ कावड़ देख के। और आज जो है कावड़ का जो है लास्ट डे था। और आज पापा ने बोला कि आज एक सुंदर सी कावड़ जो थी वो जा रही थी। पापा ने बोला कि आज चल दिखाते हैं व्लॉग बनाने थे, क्योंकि इतने दिनों से व्लॉग ही नहीं बन पाया था क्योंकि इतनी भीड़ थी हरिद्वार में, इतनी भीड़ थी तो व्लॉग ही नहीं बन पाया। थोड़ी भीड़ कम थी तो हम थोड़ा जाके बना के ले आए थे। तो गाइस इसी के संग करते हैं अपना व्लॉग एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बहुत ज़्यादा शेयर करो। Thanks for watching. Bye.